मिला। The municipality member are generally elected by direct election. Direct को round किया गया, प्रत्यक्ष को देखो direct election वो कहते हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं। Indirect वो होता है जिसमें हम participate नहीं करते। हम president के election में भाग लेने नहीं जाते, हम vice president के election में भाग लेने नहीं जाते। इसका मतलब वो direct है कि indirect है? लेकिन हम PM के election में भाग लेने जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट। ब्रैकेट में लिख लो इलेक्शन कंडक्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। म्युनिसिपैलिटी के पास लिख लो इलेक्शन कंडक्ट करेंगे बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ईसीएस, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। इंडिया का दो इलेक्शन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इन दोनों का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। इन दोनों को हटा दो तो इंडिया का हर इलेक्शन कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ गए? सिर्फ दो को छोड़ दिया जाए, नगर पालिका और पंचायत को। अब आपसे पूछेगा सभी राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर का या विधान मंडल का इलेक्शन कौन कराएगा? ईसीएस या ईसीआई? ईसीआई। समझ गए?